तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जितने भी जैक बोर्ड से क्लास टेंथ का मैट्रिक देने वाले बच्चे आप लोग हैं, क्लास टेंथ का मैट्रिक दीजिएगा इस साल 2022 में, तो वो बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सारी चीज़ें समझिएगा। ये वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। सबसे पहले आप लोग का काम है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि वीडियो में कितनी महत्ता की चीज़ बताई जाएगी, कितना महत्व रखेगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा और सारी डिटेल्स मैंने बहुत ही स्टडी करके आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और आपको सिलेबस जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, अभी हम जो बोलते जा रहे हैं करते जाइए। हमारे 2021 में जितने भी बच्चे जुटे थे वो सभी बच्चे 75% से प्लस स्कोर किए, क्योंकि वो बच्चे हमारे से शुरू से अंत तक जुड़े रहे और उन्होंने हमें फॉलो किया, जबकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। अगर वो अच्छे से स्टडी जिन बच्चों ने किया वो 90 से प्लस स्कोर किए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, हमारी बातें सुनते चलनी है और जो मैंने आपको सिलेबस बता रहा हूँ उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या बच्चों आप लोग की बढ़ जाएंगी, आप समझिए ध्यान से मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। तो आपको कैसे तैयारी करनी है आपको समझने में आइए। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से मैं तैयारी करना यहाँ पे सिखाता हूँ। तो पहले सिलेबस समझना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। और चलिए मैं वीडियो पर आगे बढ़ता हूँ, आपको क्या काम करना है चलिए मैं बता रहा हूँ। सिलेबस जानने से पहले एक बुक अपना निकाल लेना मैथ का, अभी मैथ का मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों को निकालना, वीडियो देख रहे हो तो निकालना है तो निकालना, मैं बोल दे रहा हूँ, निकाल के रखिए अभी आप, बुक निकालिए और नोट्स कॉपी निकालिए, ठीक है, नोटबुक। और ये दोनों निकाल के हम जो बोल रहे हैं, जो बुक में टिक करने बोलेंगे टिक कीजिएगा, जो नोट कॉपी में नोट करने बोलेंगे नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में वीडियो ला रहा हूँ, ये दो पार्ट में जाएगा। इस पार्ट में मैं नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम आने वाला है वो मैं कवर करूँगा, अगले वीडियो में मैं मार्च अप्रैल में जो आएगा उसको कवर करना बताऊँगा। तो दोनों वीडियो को अभी देखना है, तुरंत देखना है, ये वीडियो देख ही लेना और उसके ऊपर आई बटन में जो वीडियो दिखेगा पार्ट टू अभी के अभी देख लेना है, इसको देखने के पूरा देखने के बाद उसको देखना ही देखना है सरी में बोल दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बाद में सोचोगे कि बाद में करेंगे, वही पिछले साल वाले बच्चों ने गलती किया, सोचा कि वो वाला वीडियो बाद में देखेंगे और बाद में दिक्कत हुआ था, तब भी सिलेबस आपको पता होगा 60% हो गया था, तो आपका भी 75% सिलेबस हो गया। तो कैसे तैयारी करना है आपको मैं समझा रहा हूँ, तो ऊपर आप एक बार देख लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आई बटन में जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और आज के ही सभी गणित पेपर में आपको लिख लेना है कि कौन सा नवंबर में आएगा, कौन सा आपका मार्च अप्रैल के एग्जामिनेशन में आएगा। तो देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि आपका न्यू सिलेबस आपको पता होगा किस तरह से हट गया, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं जान रहे और बहुत सारे टीचर भी आपको नहीं बताएंगे, यूट्यूब में कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर जो लिख दिया गया इस तरह से जो टॉपिक लिख दिया गया इंग्लिश में, सभी बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है 1.4 1.5 2.4 3.5 ये एक्सरसाइज आप लोग समझ के बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। कैसे करना है चलिए मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। जो इंग्लिश में टॉपिक लिखे गए ये सभी टॉपिक सिर्फ आपको रिमूव किए गए, बाकी सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने मैं हिंदी में बताऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश अगर नहीं समझ में आता तो सारी चीज़ें आप टिक करते जाएगी, इसीलिए मैंने बताया कि कॉपी निकाल लीजिए और बुक निकाल लीजिए। तो ये देखिए 15 चैप्टर आपके होंगे, है ना, 15 अध्याय 15 चैप्टर जो बोलिए 15 पाठ आपके हैं चैप्टर में। और देखिए कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया यहाँ पे देख लीजिए, कौन कौन सा नवंबर दिसंबर में ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और मार्च अप्रैल में आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ और इसी के जस्ट अगला जो वीडियो आएगा पार्ट टू उसमें हम ये वाला फोकस करेंगे कौन कौन सा चीज़ हटाया गया। बहुत सारे बच्चे जो एक्सरसाइज समझ रहे हैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं और अभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, फिर से थम्स अप मारिए, लाइक मारना एकदम मस्ट है, बहुत ही मेहनत से मैंने ये तैयार किया, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। और ऊपर वाला आई बटन में जो आपको वीडियो मिलेगा अभी का अभी देख लेना, बहुत सिंसियर होना है तभी आप बोर्ड में अच्छा स्कोर ले पाओगे। आप तेज हो या नहीं हो पढ़ने में हमको कोई मतलब नहीं है, आप तेज नहीं भी हो लेकिन अगर आप मेरी बात सिर्फ चलते सुनते जाइएगा करते जाइएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा और सिलेबस आपको कम से कम समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बच्चों इस साल बढ़ेंगी तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, तो ठीक है। तो आई बटन में आपको जो मैंने बोला वो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको चैप्टर वाइज बताते हैं कि कौन कौन सा रिमूव हुआ है। देखिए बच्चों ये वाला जो मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ ये फोटो आपको स्क्रीन शॉट खींचना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तरह से समझ लीजिए तो एक पूरा रफ रफ यहाँ पे एस्टिमेट मैंने बता दिया है कि ये सभी नहीं करना है, यहाँ पे जो मैंने लिख दिया ये सब नहीं करना है, तो वो सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, देखिए एक बार मैं जूम करके बता दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट करके खींच के इसको रख लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया नवंबर दिसंबर, तो ये नवंबर दिसंबर में ये प्रथम सावधिक परीक्षा है, तो इसमें नवंबर दिसंबर में कौन कौन से चैप्टर से पढ़ाई, देखिए ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 है, ये जो 7th नंबर दिख रहा है ये 7th नंबर चैप्टर नहीं है, ये 10th नंबर चैप्टर है, लेकिन यह मैं सीरियल बनाया हूँ इसलिए 7th लिखा हूँ, ये 10th नंबर चैप्टर है, इसको लिख लीजिएगा 10
टेंथ नंबर पाठ अगर आप लिख सको तो, या पाठ 10 लिख लीजिएगा बगल में ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। कॉपी में हो सके तो उतार लीजिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत सिंसियर तो वो नोट कॉपी में भी उतार सकते हैं इसको रोक के, ठीक है। उसके बाद वीडियो पूरा देखना है। इसके अलावा देखिए वीर से संबंधित क्षेत्रफल, ये दो चैप्टर आपको मतलब कि घुसाए गए हैं नवंबर दिसंबर में। बाकी आपको सभी देखिए टर्म टू में ये सारे निर्देशांक ज्योमेट्री और भी आगे हैं, वो अगला पेज में दिखाऊंगा अगले वीडियो में, तो यहाँ तक पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो दिख रही है ये एक्सरसाइज नहीं है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है, ये सारे टॉपिक्स हैं। जबकि एक्सरसाइज कौन कौन रिमूव हुआ है देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, तो एक्सरसाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा रिमूव हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर टॉपिक्स कौन कौन से हटे हैं, टॉपिक्स 10.3 हट गया है और एक्सरसाइज 10.2 हट गया है, ठीक है। इसी तरह से इस पर भी मैंने लिख दिया, देख लीजिए सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बना के आपको समझाया। अब चलिए बुक खोल लीजिए, बुक में टिक मारिए, अब आपका काम आ गया है कि बुक खोल लीजिए। इसको भी आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए जो मैंने बताया, एकदम सेम टू सेम साफ साफ उतारना है एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छा पेज में। और उसके बाद वो पेज का नीचे आगे हो सकता है छोड़ देना होगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल का भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, तो जो आई बटन में देख लीजिएगा तो ये वाला नोट कॉपी में भी लिख लेना है, अभी आज ही करना मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अपने की और आगे बढ़ते हैं, और एक पेंसिल ले लीजिएगा अच्छा, और जो जो मैं बोलते जाऊंगा वहाँ पे बुक में आपको टिक करते चलना है। तो चलिए पिछले साल भी मैंने देखा होगा 2021 का इसी तरह से बुक में टिक करवाया था, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे थैंक्स बोला था उसके लिए, तो आप लोग भी थैंक्स जरूर बोलोगे लास्ट में वीडियो देखकर। तो एक काम कीजिए कि हमको इंस्टाग्राम आईडी, जो जो बच्चे इंस्टाग्राम आईडी में अगर हमको फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी हमको दिख रहा होगा आप लोग को, तो इससे क्या होगा बच्चों कि आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बताते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी में आप हमसे फॉलो करके इससे और भी जो भी आपको दिक्कत है आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके हाई बोल सकते हैं। तो चलिए बुक की और आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो देखिए बच्चों, हम अध्याय 1 में आ चुके हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं इस अध्याय का नाम है। इसमें से कौन सा टॉपिक हट गया है पहले यहाँ पे नवंबर दिसंबर लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि नवंबर दिसंबर का ये आपका आने वाला है, तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर आप अपने पेंसिल से लिख लीजिएगा। बुक में ही लिखना है तो नवंबर दिसंबर आपको याद रहेगा, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर नहीं लिखना है, इसके साइड में लिख लीजिएगा नवंबर दिसंबर, ठीक है, ताकि चैप्टर भी ऐसा ना हो कि पढ़ाना, तो ऐसा यहाँ पे नवंबर दिसंबर लिख लीजिए। तो ये नवंबर दिसंबर में आएगा, कौन सा टॉपिक हटा हुआ है नीचे स्क्रॉल करते चलिए, आप पेज पलटते चलिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, कौन सा टॉपिक हटा है चलिए मैं बता देता हूँ। तो आपको ऊपर तक सारी चीज़ें पढ़नी है, और देखिए यहाँ से फिर आपको नहीं पढ़ना है, देखिए यहाँ से, ठीक है। टॉपिक 1.4 यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल, देखिए यहाँ से टॉपिक में खोज रहा हूँ, हाँ देखिए टॉपिक यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा मेरे साथ साथ, और इसके नीचे ऐसे एरो मार दीजिएगा कि इसके नीचे कहीं तक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। एरो का मतलब हो गया इसके नीचे चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं करना है। तो 1.4 ये टॉपिक जो दिख रहा है यहाँ से आपको नीचे पढ़ना ही नहीं है। तो ये सारे पेज आपके लिए अब क्या हो गए, मतलब कोई काम का नहीं हो गया, ये सारे पेज आपको नहीं करना है। चैप्टर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज में कौन कौन सा हटा है बच्चों, एक्सरसाइज में आपको 1.3 और 1.4 हटा, तो देखिए ये इसी के अंदर आएगा, देखिए ध्यान से, तो ये सारी चीज़ें आपको हट गई हैं, ठीक है। तो 1.3 1.4 यहाँ पे आप स्पेशली चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.3 इसको यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि अब ये नहीं आने वाला है, ठीक है।
जबकि देखिए वहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो टॉपिक के हिसाब से हट गया। जिसे देखिए जो टॉपिक 1.4 हटा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज 1.3 को क्या किया, हटा दिया, ठीक है। उसी तरह देखिए 1.5 टॉपिक भी हट गया है, ये टॉपिक हट गया तो इसका एक्सरसाइज भी हट जाएगा, तो ये एक्सरसाइज आपका कौन हट जाएगा, 1.4 इसका हिसाब से हट जाएगा। तो चलिए 1.4 को भी काट देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वन नंबर चैप्टर में क्या क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपको नहीं करना है। अब चलिए हम सेकेंड नंबर चैप्टर में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब हम सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं, बहुपद नाम है। चलिए यहाँ से आपको पता होगा 2.4 नंबर हमका टॉपिक हट गया, टॉपिक 2.4 हटाया। तो चलिए हम नीचे चलते जाते हैं, स्क्रॉल करके 2.4 टॉपिक में आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से 2.4 टॉपिक आपको दिख जाएगा। अब आपको देखिए 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, ये अब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप काट दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा और यहाँ पे एरो मार दीजिएगा। इसके नीचे अब चैप्टर आपको नहीं करना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए इसके नीचे कौन कौन सा एक्सरसाइज आता है वो आपका हट जाएगा। इसके नीचे देखिए बच्चों एक्सरसाइज 2.3 आ गया, तो ये आपके लिए अब आपको एक काम का नहीं रहा बच्चों। और उसके अलावा देखिए बच्चों 2.4 तो ऐच्छिक था, तो ये ऐसे भी कोई साल नहीं आता है, तो ये साल भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऐसे भी ऐच्छिक है, ये एग्जाम में नहीं आता है। चलिए हम थर्ड नंबर चैप्टर में चलते हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बताते हैं आपको। देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखिए थर्ड चैप्टर में आपको टॉपिक कौन सा रिमूव हुआ है बच्चों, 3.5। देखिए बच्चों सेकेंड नंबर चैप्टर में मैं बोलना भूल गया कि वहाँ पे नवंबर दिसंबर लिख लीजिएगा, हो सके तो आप लोग, मैं ये बार बार बोलना भूल जाता हूँ, तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नवंबर दिसंबर लिख लीजिएगा चैप्टर के शुरू में या स्टार्टिंग में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं भूल गया था सेकेंड चैप्टर में, आप चाहे तो लिख सकते हैं। 3.5 टॉपिक में हमको चलना है बच्चों, 3.5 टॉपिक देखिए कौन सा जो रिमूव हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जो जो मैं यहाँ पे नहीं काट रहा हूँ वो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं काट रहा हूँ वो भी आप छोड़ के चल जाओ, जो सिर्फ काट रहा हूँ वही सिर्फ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.5 करना है कि नहीं करना है, इसको करना है बच्चों, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइए, ये चैप्टर आपको करना है। आपका टॉपिक 3.5 रिमूव हुआ है, देखिए यहाँ से हट गया 3.5, ये जो टॉपिक दिख रहा है ना आपको, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाला समीकरण, यहाँ से आपको कैंसिल करना है टॉपिक से और नीचे आपको हटा देना। लेकिन एक्सरसाइज अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.6 हट गया है, वहाँ से कैंसिल करके नीचे एरो मार दीजिएगा और 3.6 नंबर जो चैप्टर दिख रहा है ये अब आपका टॉपिक का भाग नहीं रहा है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। चलिए अब हम फोर्थ नंबर चैप्टर में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों फोर्थ नंबर चैप्टर जो आपका है द्विघात समीकरण, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको नहीं हटाया गया, इसको पूरा पढ़ना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये नवंबर दिसंबर का ही पार्ट है, यहाँ लिख लीजिए पूरा पढ़ना है या पूरा करना है, जो भी लिखना है लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा करना है, तो इसको पूरा करना है बच्चों, ठीक है। छोटा छोटा लिखिएगा, यहाँ पर मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे। चलिए हम चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों ये चैप्टर भी पूरा करना है, समांतर श्रेणियाँ, इसमें भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नवंबर दिसंबर जो भी ऊपर लिख लीजिए, और साथ में यहाँ लिख लीजिए पूरा करना है, ठीक है, पूरा करना है, तो ये भी चैप्टर नहीं हटाया गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 देखिए बच्चों त्रिभुजीय वाला, पिछला सिलेबस में जब 2021 में एग्जाम हुआ था बच्चों, तो उन सभी बच्चों के लिए 60% सिलेबस था, आपको पता होगा, तो उनको बहुत सारा हट गया था, लेकिन आपके लिए ये चैप्टर पूरा करना है, नहीं हटा है, मैं फिर उसे बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए नवंबर दिसंबर और यहाँ लिख लीजिए पूरा करना है, इसमें भी कोई चीज़ नहीं हटाया गया। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर को हो सके तो स्टार मार के रखिएगा, बहुत ही टफ चैप्टर है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों मैं एक चीज़ बता रहा था कि 6 नंबर चैप्टर तक आपका लगातार था, लेकिन 7th 8th और 9th चैप्टर जो है ये अब आपको क्या बोलते हैं उसको मार्च अप्रैल के लिए पढ़ना है, अब ये आपका नवंबर दिसंबर का पार्ट नहीं रहा है, तो हो सके तो 7th 8th और 9th चैप्टर के शुरुआत में लिख सकते हैं मार्च अप्रैल। फिलहाल अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आप पार्ट 2 में तो लिख ही लीजिएगा, तो अभी मेरे साथ ही चलिए वही बेहतर रहेगा, बाद में लिख लेंगे जब मैं वो पार्ट 2 दिखाऊंगा तब। तो देखिए वृत्त के जो पार्ट नंबर 10 नंबर है इसमें आपको लिख लेना है नवंबर दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर का पार्ट है बच्चों, ठीक है, और इसको पूरा नहीं लिखिएगा। चलिए बता देते हैं इसमें कौन सा टॉपिक हटा है, टॉपिक 10.3 इसमें हट गया बच्चों, देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पे यहाँ से काट कैंसिल कर देना बच्चों। देखिए 10.3 टॉपिक में पहुंच गया हूँ, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यहाँ पे एरो मार दीजिएगा 3-4 कि आपको इसके नीचे नहीं करना है। इस हिसाब से आपका एक्सरसाइज अब इसके नीचे कौन सा चलिए देख लेते, वो हट जाएगा अपने ऑटोमेटिकली हट जाएगा। देखिए कौन सा हट जा रहा है, देखिए बच्चों एक्सरसाइज जो 10.2 दिख रहा है अभी आपको नहीं करना, तो यहाँ पे कैंसिल मार लीजिएगा, ठीक है। तो 10th नंबर चैप्टर मैंने बता दिया है, अब चलिए एक लास्ट चैप्टर जो बचा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उसको बता देता हूँ।
देखिए बच्चों, 11th नंबर जो चैप्टर है वो आपको मार्च अप्रैल के लिए पढ़ना है, लेकिन 12th नंबर चैप्टर जो आपको दिख रहा है ये चैप्टर आपका नवंबर दिसंबर का पार्ट है, तो यहाँ लिख लीजिएगा नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर जो भी है जो मैंने बताया। इसका देखिए कौन सा टॉपिक हट गया बच्चों, टॉपिक 2.2 और 2.4 हटा है, ठीक है। ये वाला चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात ये वाला चैप्टर में। तो देखिए बच्चों इसमें क्या नहीं करना है, 12.2 इसमें काट लीजिए बच्चों, ये नहीं आएगा, 12.2 टॉपिक हट जाएगा, तो इसके हिसाब से कौन से एक्सरसाइज हट जाएगा, तो एक्सरसाइज आपका हटेगा 12.1 आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए 12.2 करना है, 12.3 जो टॉपिक है वो करना है, तो इस हिसाब से आपका एक्सरसाइज 12.2 नहीं हटेगा, समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक्सरसाइज 12.2 को आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, तो इसको पढ़ना है, इसको नहीं काटना है। अब देखिए बच्चों टॉपिक 12.4 हट गया, तो 12.4 कौन सा है, तो ये वाला देखिए हट गया, 12.4 मतलब ये वाला हट गया बच्चों, तो ये वाला टॉपिक हट गया, ठीक है, तो ये वाला हट गया, तो एक्सरसाइज आपका कौन सा हट जाएगा, 12.3। तो चलिए एक्सरसाइज 12.3 को काट लेते हैं, एक्सरसाइज 12.3 को यहाँ पर काट लेना है बच्चों, और बाकी सारा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों इसमें, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन था बच्चों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और मेहनत से बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नवंबर दिसंबर का मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जब मैं जहाँ पे मैं बार बार गोल गोल घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक वीडियो नजर आएगा एंड स्क्रीन में लास्ट में, वो पार्ट टू है बच्चों, तो वो अभी के अभी आपको देखना है, क्योंकि सब जो कल करे सो आज करे। मैं फिर से बोलता हूँ कि आप बोर्ड में पहुँच गए तो आलस कीजिएगा तो नंबर घटेगा, आपको विश्वास नहीं होगा बच्चों। अभी अगर आप 10 नंबर मार्क ज़्यादा लाते हो, अभी मैं ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर रहा हूँ, मास्टर्स की डिग्री ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 10 नंबर अगर बोर्ड में ज़्यादा तो उसका क्या महत्व है। आगे जाके मेरिट लिस्ट जब भी बनेगा, बीएड कीजिएगा या सरकारी नौकरी में भी कुछ वैकेंसी आएगा मेरिट लिस्ट में, तो उस टाइम यही बोर्ड का मार्क्स ही आपका काम देता है। तो अभी बोर्ड को लाइटली नहीं लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैट्रिक में 10वीं में कम नंबर आएगा तो कुछ घाटा नहीं है, बहुत घाटा होता है बच्चों। तो अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा, यहाँ पे कल करे सो आज करे अभी कर लीजिए, और वो जो सिलेबस यहाँ पे पार्ट टू दिख रहा है वो वीडियो वो अभी आपको देखना है तो देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद बच्चों, पार्ट टू आप लोग देख लीजिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है।